जैन धर्म की अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान, श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। जब आत्मा के कल्याण के विषय में चिंतन करते हैं, आत्मा के उस उद्धार के विषय में चिंतन करते हैं कि हमारा आत्मा का कल्याण होगा कैसे, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब अलग अलग विवक्षा से अपन देखते हैं, तो बार बार एक बात इस समझ में आती है कि हम आत्मा के विषय में कहीं अनभिज्ञता करते हैं। लोग कहते हैं इस पंचम काल में व्रत लेने का क्या फायदा, व्रत लेने से क्या होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मोक्ष तो जा नहीं सकता। जब उसे मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं है तो इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है, कट क्यों कष्ट क्यों उठाना, मात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति से भी तो काम चल सकता है। देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बावजूद भी नरक जाता है, देख लेना। मान लो किसी ने पूर्व में नरक आयु का बंद कर लिया तो सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर भी वो नरक जाएगा ही जाएगा, फिर चाहे सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो। मान लो उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया और फिर चाहे सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो भी उसे मनुष्य में जाना ही होगा। मान लो उसने तिरंच आयु का बंद कर लिया और चाहे सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो भी उसे तिरंच। इसीलिए सम्यक दर्शन से हम विश्वास नहीं कर पाते, सम्यक दर्शन की महिमा में कोई कमी नहीं है। सम्यक दर्शन एक उन्होंने जो सम्यक दर्शन की महिमा गाई है, उस सम्यक दर्शन की महिमा में कभी कोई कमी नहीं आती। सम्यक दर्शन उतना ही विशुद्ध होता है, सम्यक दर्शन उतना ही कार्यकारी होता है, लेकिन मात्र सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं होता है कि विषय समझने वाला है, यहां हम चूक ना करें। जब आचार्यों ने एक थर्मामीटर की बात करी कि हमें आखिर कौन सी आयु का बंध हो सकता है या हुआ कि नहीं हुआ, इसका हम कभी चेक कर सकते कि नहीं, हम कभी इस प्रकार पर विचार कर सकते हैं कि नहीं कि हमारी आयु का बंध हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर हम कभी विचार करें तो हमें पता पड़ेगा कि हमारी आयु का बंध हुआ कि नहीं हुआ। तो आचार्य ने एक थर्मामीटर हमारे लिए दिया कि मान लो तुम्हें आयु का बंध पता करना है, तो आयु का बंध पता करना है तो तुम सम्यक दर्शन पर विश्वास मत करो, तुम पता करो व्रतों से। आयु का पता सम्यक दर्शन से कभी पता नहीं लगता, क्यों? चारों आयु का बंद होने पर भी सम्यक दर्शन होता है, चारों आयु का बंद हो गया हो फिर भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है, इसलिए सम्यक दर्शन से आयु बंद का पता नहीं पड़ता। तो आयु बंद का पता किससे पड़ता है? आयु बंद का पता पड़ता है व्रतों से, संयमी बनने से। अगर तुम संयमी बनने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, तुम्हें अभी अपना संयम सता रहा है, तो समझ लेना अभी तुम्हारे चारों आयु के द्वार अभी खुले हैं या नरक या तिरंच आयु का मनुष्य आयु का बंद हो चुका है। या तो तीन मनुष्य तिरंच और नरक आयु का बंद हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारा परिणाम नहीं होता कि मैं सम्यक दर्शन मतलब व्रतों को लूं, और व्रत लेने का भाव हो रहा है, व्रत ले लिए, व्रत लेने की तुम्हारे अंदर आ गई, तो समझ लेना अभी देव आयु का बंद खुला हुआ है। इससे पता पड़ेगा कि हमारा देवायु का बंद हुआ कि नहीं, हमें नरकायु का बंद हुआ कि नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन से पता नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पता पड़ेगा व्रतों से। कितनी तुम सम्यक दर्शन की महिमा गा लो, कितनी तुम सम्यक दर्शन को अच्छा बता लो,
तो लोग जो सम्यक दर्शन बनो, सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दृष्टि बनने का विरोध नहीं, सम्यक दर्शन का विरोध नहीं, लेकिन फिर भी वो आयु को काट नहीं सकता। ये बात सत्य है कि सम्यक दर्शन के बाद इन निकृष्ट आयु में नहीं जाता, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई कहीं कोई को एक तिल मात्र भी कमी नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन से पहले आयु का बंध कैसा हुआ, इसको जानने के लिए हम क्या करें, ये विषय अपने लिए। तो हमें क्यों व्रतों को लेना, आखिर जब मोक्ष है ही नहीं, प्रश्न यहां से अपना प्रवचन हुआ शुरू, हमें क्यों लेना है व्रतों को जब मोक्ष है ही नहीं। एक सम्यक दृष्टि भी स्वर्ग चला जाएगा, एक व्रति भी स्वर्ग चला जाएगा, तो क्या अंतर आएगा दोनों में, जब मोक्ष तो दोनों को ही नहीं जाना है। जब चतुर्थ काल मिलेगा हमें, ऐसा वातावरण उपलब्ध होगा, तभी तो तुम जा पाओगे। उत्तम सहनन होगा, शुक्ल ध्यान होगा, शुक्ल लेशिया होगी, उन लेशिया ध्यान उस वातावरण में ही तुम मुक्ति पा सकते हो, उससे पहले मुक्ति पा ही नहीं सकते। तो आचार्य प्रवर ने एक मार्ग दिया अपने को, आचार्य पूज्य स्वामी ने इस मार्ग को खोला कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मार्ग दिया, वरम वते पदम देवम न वतेर वत मार्गम छाया तपस्त्योर वेदार पति पाल यतोर महान। अव्रतों से मरकर नरक जाने से अच्छा है व्रतों को पालकर स्वर्ग जाना। देखो उन्होंने कितना अच्छा मार्ग दिया अपने को, कि जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि अव्रतों और व्रती दोनों ही अगर स्वर्ग जा रहे हैं तो व्रत लेने की जरूरत क्या है, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि अव्रत में नुकसान क्या है वो बता रहे हैं। तो पहले नुकसान बता रहे हैं कि अव्रतों के साथ मर के तुम कहां जाओगे, नरक में, त्रियंचायों में। इन आयु में जाने से अच्छा है कि तुम व्रतों को लेकर स्वर्ग जाओ। क्यों, छाया तपस तयोर भेद प्रति पाल यतोर्मा। उन्हें क्या, जैसा छाया और धूप में भेद है, मान लो कोई ज्येष्ठ की गर्मी में आपको धूप में चलना पड़ रहा है और किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं 5 मिनट इंतजार करना, मैं आ रहा हूं, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, समझदार व्यक्ति यही करेगा कि छांव का आश्रय लेगा, वो छांव का आश्रय ढूंढ के वहां खड़ा होके इंतजार करेगा उस व्यक्ति का। और कोई अज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो धूप खाता रहेगा और परेशान होता रहेगा कि देखो मुझे ये व्यक्ति अभी तक नहीं आया। तो व्यक्ति की ज्ञानता और अज्ञानता इस पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति क्या विचारधाराओं से चलता है। ये विचारधारा पूज्यपाद स्वामी ने हमें क्यों दिया, आखिर क्या कारण था, इस पर विचार करो कि हमें ऐसा क्या था कि हमने पूज्यपाद स्वामी का, हमें क्यों ऐसा आश्रय मिला कि व्रतों के साथ जियो, व्रतों के साथ रहो। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यही भी एक ध्यान रखने वाली है। बोलिए चेतन चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम कल्याण मंदिर विधान की जय। संत श्रवणी आचार्य विद्या सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। 12/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मदोन जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्री सुभाष चंद जैन, खाद वाला परिवार, बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौत, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देवियंश, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव जैन, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी, दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ, सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सह परिवार, श्री वैभव जैन, राजेश जैन, अरवन स्टेट, हांसी, हिसार, श्री गौरव जैन, वैभव जैन, सौरभ जैन, अमित जैन, पुत्री अनिल कुमार जैन,
पटवारी परिवार बड़ौत, श्री प्रेमचंद जैन, पंकज जैन, हिना, पीयूष, नीतू, सुमित जैन, श्रेष्ठ जैन, दिव्या जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, स्वास्थ्य श्री सुभाष चंद जैन की पुण्य स्मृति में पत्नी रुक्मणी जैन, पुत्र व पुत्रवधु अमित दीपा जैन, पौत्री समृद्धि जैन, पौत्र अर्जव जैन, सरधना वाले देहरादून निवासी कोरोना सुख शांति निवास साख शांति हेतु श्री नरेंद्र कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु राजेश जैन, अर्चना जैन, पौत्र पारस जैन, पौत्री अरितिका जैन, श्राविका जैन कोरोना संबंधी सुख शांति हेतु देहरादून श्री प्रवीण जैन, पुत्र श्री पुत्र व पुत्रवधु श्री सचिन जैन, तन्वी जैन, पौत्र आदि जैन, पौत्री स्तुति जैन निवासी देहरादून श्री उमेश कुमार विभेर जैन विश्वास नगर दिल्ली, श्री सतीश जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री अरुण जैन राम विहार दिल्ली, स्वास्थ्य श्री वीरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती राजरानी जैन, पुत्र श्री आलोक जैन, विपिन सुधीर जैन, तपन जैन, अनीता जैन, विनेश जूली भूमि पवित्र अंश जैन वसुंधरा गाजियाबाद, श्रीमती पूनम जैन पत्नी भूषण जैन अकाउंट वाले कांति नगर दिल्ली, स्वास्थ्य श्री अतिल जैन की स्मृति में शिवानी जैन, आयुष जैन, आसीमा जैन, ऋतु जैन अशोक विहार दिल्ली, श्रीमती शारदा जैन, मनोज जैन, योगेश जैन, विनय जैन साह परिवार देवनगर करौलाबाग दिल्ली, श्री सुभाष चंद देव कुमार जैन साह परिवार सहारनपुर, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, निरोगी रहने के लिए पांच प्रभु के चरणों में कल्याण मंदिर विधान करा सकते हैं। एक दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपए है, तो आप इस कल्याण मंदिर विधान से इन पांच प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़े और अपने परिवार की सुख शांति के लिए 2 दिन 5 दिन 10 दिन जितनी भी आपकी भावना हो इन पांच प्रभु के चरणों में विधान करवा के अपना जीवन धन्य करें। बोले विघ्न हर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। कल चयादनु भवन पिनाते मात्यो नूनम गुणान गणयुतम न तव क्षमित कल्पान्तवान्त पयसा प्रगटोऽपि यस्म मियेतकेन जलदेन नुरत्नराय सिहुआ हो मोहि करम का प्रगटे हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी सा प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मा ओम भीम गहन गुणाय क्लीम मा विजक्त संजाति पार्श्वनाथ जिनेन्द्र है नमार्गम पामते स्वाहा अभ्योधतोऽस्मितो नाति जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसेद संके गुणा करश्य बालोऽपि किं न निज बाह्ययुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स धियाम्बुराशि अभ्य संके गुणों से शोभित में जड़ बुद्धि जना अभिमान फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादा शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला परमानंद गुणाय क्लीम महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र है नमार्गम नृपामते हर प्रवतयोऽपि हत प्रभाव सुपी त्वया रतिपतीक्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुत भुजा पयसाथेन पिदं न किं तदपि दोर्धरवाड़वेन किये पराजित कामदेवनि हरि हर महादेव जैसे वही आपसे हुआ पराजित क्षण भर में परम पुरुष कैसे जिस जल से अग्नि की नपटे बुझ जाती है आपो का उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे कंगन करती ओम रीम अनंग मतना क्लीम मामी जंग सहित अति पासना जिंदा है नमार गम पामते स्वामिन्न नल्प गरिमाने मपि प्रपन्ना पाम जन्त वाकत महोर दिगे ददाना जन्मो ददे लघुतरंत तिलागवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव
अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। जिन सदा परमात्म रूप मन विषयंतिर दयाम्बुज कोश देशे, उतश निर्मल रुचे अदिवा के मन्ये दक्षोस संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन निति हृदय कमल में नित्य निता, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्था, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो तो शुद्धाता में का। ओम भीम हनुम क्लीम मामी जग संहिता दी प्रार्थना चिंतन वर्गम पामती स्वाहा। ध्यान जिनी से भवितो भविना छड़े न देहं विहाय परमात्म दशां भृजन्ती। तीव्रान लादुपल भावम पाश लोके चामी करत्वम चिरा दिवधातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञानी रूप परमात्म का, बिछड़ भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर मई हुई था तुये पाकर तीव्र अंधल कायो, शुद्ध स्वर्ण मैं बनी दमकती अनिमित का क्रीड़ा। जिस शरीर के भीतर के जिन भक्ति आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित शुद्ध चिदातम पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही। कमल शशि तो शंख न ग्रहते विविध वर्ण विपर्य। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्न मति सब बूझे। ज्ञान देखत शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में, जिन्हें पीले आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम भीम सर्वजन बंदाय क्लीम मामी जग संहिता दी प्रार्थना चिंतन नमर घम पाम दे स्वाहा। धर्मोपदेश समिंगे सभी धानु भावा, दास्ताम जनो भवति ते तरुरप्य शोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहि रूपी केवा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृति उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नति हो, अरु अशोक तरु शोके रहते हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिन मति के सम्मुख होने पर विकसित न हो मन के। ओम भीम अशोक प्रकटराजता क्लीम मामी जग संहिता दी प्रार्थना चिंतन नमर घम पामते स्वाहा। वीर हृदयो दधि संभवाया, पीयूष तामताओ गिरा समुदीर यंते। कायता परम संवद संग भाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मर। अति अगाध हृदयो नदी से जो निकल लगी तब दिव्य धनी, उसको सब जने अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। जो की करणांजलि से पी कर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी। ओम रिम दिव्य धनी ब्रहता एक नीम मामी जग का सहिता जी पात्रा जिन दैन अमर घम पामते स्वाहा। तिमी है भव्य से खंडी नस्पा, आलोकयन्ति रभसे नदन्ति मोष्टि चामी कराद्रि शिरसि वनवाम्बुवाः। करक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे, ऐसे शोभे ज्यों मेरु की चोटी पर नव काली में। हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जवन मो, वर्षा ऋत में मेघो को लख नाचे किल करे मंडले न लुप्त छो के तरूब। सानिध्य तो पियवा तीतरा गिरांगता व्रजति कौन सचेतनोपी। नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त समा का नीला रंग,
पत्थर अशोक के पत्तों की वीरता वा करता निरंग। वीतराग तो सन्निधि से यदि राग रहित तर हो जाता हो। सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम दीवा मंडल बनता है क्लीम मामी जग सहित मार्गम पामते स्वाहा। बुध के चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप बलार्ग कई धवल मंगल गानर वाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महा। ओम रीम क्लीम मामी जग सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। दूती वल मार्गम नृपामते उद्योत ते सुभवता भुविनी सुनाथ तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा। ता कलाप कलितोलसिता तपत्र व्याजा त्रिदाघ्रत तनुर्धुम अभिपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित ही प्रभु तव चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद तब घी चढ़ में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तो शरणा शोभित करता। ओम भीम छत्र ते महिता क्ली मामी जगत सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मार्गम पामते स्वेन प्रपूरित जगत त्रय पिंडिते न कांते प्रताप यस साम्य संचिये न। माणिक हेम रजत प्रवि निर्मित न साल त्रयण भगवन तो विभाषी। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोत्सरण के त्रय प्राकार। तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे। जय हो के मध्य सुशोभित श्री जिन अद्भुत आभा। ओम नीम साल अप्रियाधिपति के क्लीम मामी जग सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मार्गम पामते स्वाहा। तारे यस सुमितो निज पृष्ठ लगना। उत्तम ही पार्थि नवि पश्य सतस्त वेव चित्र विभो यदश कर्म विपाक शून्य। जन्म मरण के भवो दधि से आप विमुख हो करके भी भक्त जनों को पार लगाते कर्म सुन हो करके भी। अग्रिपा कमृत मृतिका घट को बाद पीठ जब जन तिर कर्म पाक से रहते आपको हृदय धार सब जन। ओम भीम निज पृष्ठ लग्न में क्लीम मामी जग सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मार्गम नृपामते स्वाहा। कामना यदि है तो वह सांसारिक व्यक्ति कहलाता है। मनुष्य की भी इच्छाएं होती है, राजा है उनकी भी इच्छाएं होती हैं। अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि हैं तो ये कहीं ना कहीं इच्छाओं के प्रतीक है। व्यक्ति अस्त्र रखता है, शस्त्र रखता है, वस्त्र पहनता है, या तो उसके भीतर लज्जा होती है अथवा भय होता है अथवा विकार होता है अथवा कोई भावनाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं सांसारिक विषयों को लेकर के। तो भगवान वो कहलाते हैं जो इन इच्छाओं से, राग द्वेष से, आसक्ति से, क्रोध मान कामना काम आदि की भावना इनसे रहित तो होते हैं। फिर वो कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे। अब रही जैन धर्म की बात, तो जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ से लेकर महावीर तक, अथवा अन्य भी जो महापुरुष हुए हैं, जब उन्होंने दैगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली, समस्त परिग्रह को त्याग कर दिया, ध्यान के बल पे कर्मों को क्षय प्राप्त करा दिया, निर्जरा हो गई और मोक्ष को प्राप्त कर ली, तो भगवान हो जाते हैं। तो जैन आगम यह कहता है हनुमान जी भी जो थे उन्होंने एक बहुत कठोर तपस्या की थी, ऐसे ही अपने समस्त राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो उन हनुमान जी को पूजना है जो वीतरागी हैं। वो हम भगवान के रूप में ही उन्हें मानते हैं, चाहे रामचंद्र जी हों, रामचंद्र जी भी भगवान हैं क्योंकि उन्होंने भी वीर रागता प्राप्त की थी, उस मुनि अवस्था को प्राप्त करके अपने कर्मों को झलाया था। तो चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे महावीर हों, वे सारे भगवान हैं, लेकिन कंडीशन कैसी है, राज्य अवस्था वाले नहीं हनुमान जी रामचंद्र जी। जब इन्होंने समस्त इच्छाओं को छोड़ दिया, अपनी ही आत्मा के कल्याण में लग गए, यानी वीतरागी हनुमान जी, वीतरागी रामचंद्र जी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वीतरागी महावीर, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो कोई तीर्थंकर पद के धारी हैं, कोई अन्य महापुरुष हैं, बलदेव आदि पद के धारी हैं, तो वो उस अपेक्षा से समझने की कोशिश करें। ओम अरहम नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। रिलैक्स, दूसरी मुद्रा से। ॐ अर्हं
नमः ओम अरहम 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 नमः ॐ अरहं 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 नमः रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करते हुए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की संत श्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज की जय।